नमस्ते एवरीबॉडी। थोड़ी दिन पहले ना मैं गौतम सिद्धार्थ मन हम सब बैठ के ऐसे लिख रहे थे कि क्या क्या करना है और गोल्स लिख रहे थे और क्या क्या काम करना है ये सब लिख रहे थे। तो मैं ना बच्चों को बोली कि हमारी लाइफ ना बड़ी सिंपल होती थी। हमें घर का काम करना होता था, हमें पढ़ाई करनी होती थी, थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ खेलना होता था और रात को एक चैनल आता था, एक ही चैनल में से जो भी आता था वो देखना होता था। तो इतनी सिंपल होती थी लाइफ। और फिर मैंने उनके काम देखे, उनकी उनको जो जो करना है वो देखा और उन सब कामों में घर का काम तो करना ही है, अब तो लॉकडाउन है तो और भी ज्यादा काम कर रहे हैं, तो सबने अपने अपने काम बांटे हुए हैं, तो घर का काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, लेकिन जो देखना है ना, खेलना भी है, बाहर भी जाना है, लेकिन जो देखना है उसमें कितने सारे चॉइसेस हैं। मतलब नेटफ्लिक्स देखना है कि अम्मा के साथ रामायण देखना है कि कोई और मूवी लगानी है। और फिर उसके इन सब के बाद मैं गौतम सिद्धार्थ को बोलती हूँ कि अरे वो यूट्यूब चैनल है ना, तो उसपे वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया है, करो उसपे वीडियो अपलोड नया वाला। या फिर तुमने जो इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया हुआ है उसपे कॉन्टेंट क्यों नहीं डाल रहे हो, एवरीडे यू शुड पुट अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट। और फिर मैं सोचने लगी कि हमारी जिंदगी तो वाकई बहुत आसान थी ना, कि कितना सीमित था ना सब कुछ, और इनके पास कितना कुछ है जो इनको संभालना है, इनको हैंडल करना है। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, एज अ पेरेंट बड़ा इजी होता है कहना कि क्यों बैठे हो सारे टाइम मोबाइल पे, या क्यों ये सब देखना है, क्यों हो सोशल मीडिया पे, लेकिन वो कहना बहुत आसान है। इनको भी तो होता है ना वो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो दे डोंट वांट टू मिस आउट, दे वांट टू बी इन सिंक विद व्हाटएवर इज हैपनिंग। और अगर वो एक हिस्सा है जिंदगी का तो होना है उनको उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जिंदगी ना ज्यादा मुश्किल है हमसे, हमारी जिंदगी आसान थी, इनकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो इनको करनी है, इनको संभालनी है। तो ऐसे में ना मुझे लगता है इस पेरेंट्स अगर हम समझ पाएंगे ना, और बजाय इसके कि हमेशा टोकते रहे, हमेशा ये बोलते रहे कि ये मत करो वो मत करो, अगर सिर्फ एक समझ दे दे, समझ मतलब कि करना सब कुछ है लेकिन कैसे करना है, किसको इम्पोर्टेंस देनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा काम एज पेरेंट्स ना सिर्फ समझ देना है, संभाल लेंगे वो अपने आप। अगर हम समझ दे देंगे ना तो वो संभाल लेंगे। तो आर फुल फोकस आई थिंक शुड बी कि क्या हम उनको उतना समय दे रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनको वो समझ दे रहे हैं। अगर बहुत सारे पेरेंट्स वो समझ देते ना तो जो बॉयज लॉकर रूम वाला हुआ है ना, शायद वो नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल तो सब में है। आई थिंक एज पेरेंट्स ना हमारा काम उनकी फाउंडेशन पे काम करना है। फाउंडेशन मतलब उनको हमें वैल्यूज देने हैं, वो सब चीजें जिससे वो धरती पर रहे। और जितना धरती पर रहेंगे ना फिर उतना ही ऊपर भी जाएंगे, उतना ही जितनी भी आंधी आएगी ना हिलेंगे नहीं वो, और आंधियां तो आनी ही है ना। तो अगर हम सिर्फ उनकी फाउंडेशन पे काम करें और जो ऊपर टहनियां निकल रही ना उनको तोड़ने में ना लगे रहे, जहां सिर्फ हम टोक रहे हैं या फिर हम सिर्फ गलतियां निकाल रहे हैं, अगर उन सबसे वो सब तो होने वाला है, वो सब इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट जो मेजर काम है ना मुझे लगता है इस पेरेंट्स इज ऑल अबाउट सेंसिटाइजिंग देम, मेकिंग देम अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट। सिर्फ अगर वो समझ दे दी ना सो वो अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। ये मुझे समझ आया जब मैंने देखा कि हाँ इनकी लाइफ हमसे कहीं ज्यादा मुश्किल है। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट पिन पॉइंटिंग और यू नो फाइंडिंग फॉल्ट्स, इफ यू कैन अंडरस्टैंड आई थिंक वी विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू टॉक टू ईच अदर, टू कन्वर्स विद ईच अदर एंड हैव मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, जहां पर वो भी हमें समझे और हम भी उन्हें समझे। सो दिस वॉज अ थॉट दैट केम ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन आई यू नो सैट विद द चिल्ड्रन एंड अंडरस्टूड कि अरे बाप रे कितना सारा है जो उनको संभालना है। सो जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू एंड यस लेट्स वर्क टुगेदर टू यू नो बिल्ड दिस फ्यूचर जनरेशन ऑफ आवर्स इन अ मच मच बेटर वे। थैंक यू।